ये सीन में आपका 5/10 था, ये सीन अच्छा, ये 8/10, 8 से ज्यादा मार्क्स मुझे कभी नहीं मिले, 8 भी एक ही बार मिला था, बाकी मेरे 4, 5, 3, 2 नंबर याद है। आई कम फ्रॉम अ वेरी यू कैन से अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो रिक्शा के भी वैसे नहीं होते थे, मेरे ख्याल से लोगों की ऐसी हिम्मत होती नहीं है ज्यादातर। तो बाकी अब आजकल मूवमेंट्स भी बहुत सारी आ गई है, मी टू मूवमेंट, ये वो, हाँ मेरे ख्याल से जो जो कोशिश भी करते हैं ऐसी छोटी मोटी, वो भी डर रहे हैं कि ज्यादा कहीं ना कहीं मी टू में नहीं घुस जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स डॉट कॉम। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आर्टिस्ट जब भी अपने आर्ट की यानी कि क्रिएटिविटी की एक एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति दिखाता है तो उसको दिल से बहुत खुशी होती है, और ये खुशी उसको अकेले को नहीं होती क्योंकि उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी है उससे ऑडियंस भी खुश होती है, वो भी एंटरटेन होती है। ऐसी एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट एक्ट्रेस मेरे साथ हैं, अमी त्रिवेदी। वेलकम टू जॉइन फिल्म सभी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक करियर में इतने सारे सीरियल्स, इतनी सारी डबिंग का काम, वॉइसिंग का काम, एनिमेशन वॉइसिंग का काम, ये सब एक साथ कैसे मैनेज कर लिया? क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग तो कुछ नहीं की थी, आई थिंक समवेयर इट इज जस्ट आपके नसीब काम कर लेते हैं कई बार, और डेफिनेटली हार्ड वर्क ऑल्सो पेज ऑफ। एंड मेरी लाइफ में तो मैंने देखा है, वेन एवर आई जेन्यूनली वॉन्टेड टू डू समथिंग, वो जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए, तो वैसा टाइप का मेरे साथ भी थोड़ा बहुत रहा है। जब चाहा है तो काम मिल गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये बात तब भी होती है। अभी कई बार हम इसको बोल देते हैं कि शायद लक की बात है, किस्मत की बात है, लेकिन क्योंकि देखने वाले यंगस्टर भी होंगे तो इस भरोसे ना बैठ जाएं कि एक दिन किस्मत आएगी और हाथ पकड़ के ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अमी ने कहा कि जैसा वो चाहती है वैसा मिल जाता है इसके लिए, क्योंकि वो उसके लिए तैयार भी, किस्मत के एब्सोल्युटली, दरवाजे भी उसी के लिए खुलते हैं जो उसके लिए रेडी हो। तैयार, या तैयारी और कितनी इंपॉर्टेंट है। तैयारी तो मतलब एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मैं मेरा बैकग्राउंड थिएटर से रहा है। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली वेयर माय मेरे फादर जो हैं वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो मैं उसी माहौल में पली बड़ी हूँ, मैंने वो सारी चीजें देखी थी बचपन में। तब ये तय नहीं किया था कि इस इंडस्ट्री में जाना है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। कभी पढ़ाई में भी आई वाज प्रीटी गुड, बट देन आई गेस लक हैड इट अनदर वे, डेस्टिनी हैड इट अनदर वे। एंड जब यहाँ पे शुरू किया, थिएटर से मैंने शुरू किया सीखना, एंड थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू किया। एट लास्ट सबको जो मेन पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जो वाइडर ऑडियंस मिलती है, वो कहीं ना कहीं विजुअल मीडियम के माध्यम से ही मिलती है। तो जब आपके माइंड में आया कि मैं अलग अलग किरदार करूं, विजुअल मीडियम में जाऊं, तो वो जो सफर था उसमें कितना टाइम लग गया पहला शो मिलने में या पहला काम मिलने में? शो मिलने में ऑनेस्टली ज्यादा वक्त नहीं लगा था, बट एक अच्छा शो, जैसे मेरा पहला शो लाइक अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड शो, विच वाज मेरा शो कह सकते हैं, किट्टू सब जानती है, वेयर आई वाज प्लेइंग किट्टू। सो वो शो के दरमियान आई रिमेम्बर, तभी ना हालात बहुत ही अलग किस्म के थे, थिएटर कर रहे थे, थिएटर में भी कुछ ज्यादा काम नहीं हो रहा था, पैसे नहीं थे। आई कम फ्रॉम अ वेरी यू कैन से अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो रिक्शा के भी वैसे नहीं होते थे, तो तभी ऐसे बस में और ट्रेन में ही सफर करना पड़ता था। और जब ऑडिशन के लिए कॉल आया तो मैंने सोचा अभी यहाँ से वहां तक जाने के लिए इतने पैसा खर्चा कौन करेगा, बट जैसा मैं आपको कहती हूँ ना कि कोई चीजें समथिंग का डेफिनेटली प्रीडेस्टिन्ड फॉर यू आई गेस, एंड योर हार्ड वर्क ऑल्सो हाँ, कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू इट। आई मीन आई शुड डेफिनेटली एड, हार्ड वर्क इज द वन थिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू, बट येस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अ कोऑर्डिनेटर हु वाज आफ्टर माय लाइफ कि नहीं आप जाइए, आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला क्या है भैया, जाने दो छुप बने, आई डोंट वांट टू गो ऑल द वे टू अंधेरी, बट फिर था जाना, लिखा ही हुआ था तो गए। पता नहीं इतना वेरी एवरेज ऑडिशन अकॉर्डिंग टू मी, बट देन थिंग्स वर्कड आउट एंड दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक दैट हैपेंड, एंड बस तब से तो जो है वो वहां से लेके इस रिश्ते में आ गए वो हैं। कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि इतनी वो अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बात यह है कि जब एक आर्टिस्ट बहुत तैयार होता है तो रोल भी उसको बुला बुला के लाता है कि चलो अब आना ही पड़ेगा, तुम्हें ही आना पड़ेगा। आई नो, मैंने आपको पता है ये रिश्ता के लिए, ये रिश्ता से पहले मैंने डीकेपी के बारे में बहुत सुना था, एवरीबडी एवरी आर्टिस्ट यूज टू से कि अरे डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन में आपको काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। कभी मौका नहीं मिला, उन्होंने मुझे अनुपमा के लिए बुलाया था, अनुपमा का ऑडिशन
हुआ, उसका लुक टेस्ट हुआ, दैट डिडंट वर्क आउट एंड आई वाज एक्चुअली हार्ट ब्रोकन बिकॉज अनुपमा जैसे रोल के ऑडिशन में ही इतना मजा आया कि मैंने सोचा यार व्हाई नॉट, मतलब व्हाई नॉट मी, मेरे में क्या कमी रहेगी, मैंने क्या मतलब व्हाट डिड आई नॉट डू प्रॉपरली. बट लाइक आई सेड, आप उस चीज को मैंने इतना चाहा था उस टाइम पे, इतना दिल से चाहा था कि अनुपमा नहीं तो मंजरी, विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर ऑन द सेम लाइन. सो आई एम हियर डूइंग मंजरी एंड आई एम वेरी हैप्पी. ऑडियंस को ये भी आज जानने का मौका मिला कि इस लेवल पे आने के बाद भी आपको ऑडिशन देने होते हैं और वहां पर भी कई बार आपका सिलेक्शन नहीं होता. एब्सोल्युटली नहीं होता. यस यस. नहीं, मुझे ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज क्या होता है ना, आर्टिस्ट आई रियलाइज देर आर अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री, लॉट ऑफ इवन द न्यू कमर्स, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम वेयर नॉट, दे आर सच गुड आर्टिस्ट एंड ऑल, दे आर सो मच टैलेंटेड. तो इट्स अ मैटर ऑफ फेयर चांस. आप कितना सूट करते हो, भले आप एक्टर अच्छे हो, आप लुक में उस चीज में जाते हो बैठते हो या नहीं, तो इन अ वे इट्स अ वेरी फेयर चांस. एवरीबडी यू गो थ्रू एन एग्जामिनेशन, फिर आपको फर्स्ट रैंक मिलती है. आप पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, तो ही आपको फर्स्ट रैंक मिलेगी, वैसा वाला मामला है. यही चीज इंस्पायर भी रखती है कि हाँ, अपने ऊपर काम करते रहो, नया नया कुछ ना कुछ करते रहो. जी हाँ, एब्सोल्युटली. आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हो, आप ये नहीं सोच सकते हो कि अरे यार आज तो मैं तो अभी स्टार हूं तो मुझे मुझे ही कास्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है. आई थिंक बहुत सारे यू आर वेरी एक्सपेंडेबल, मतलब कोई भी हो सकता है उस. अब इसको अगर मैं दो तरीके से देखूं तो कहीं ना कहीं हमें यह है कि हम एक तरफ तो एक्टिंग स्किल पे काम करते हैं, वो तो हो गया एज एन आर्टिस्ट आप करते ही करते हो, लेकिन जैसा आपने कहा कि हार्ट ब्रोकन हो गया, जैसी आपका अनुपमा में नहीं हुआ, तो ये जो साइकोलॉजिकल एक कंडीशन आती है जो किसी के साथ भी आएगी, नए के साथ भी आएगी, पुरानी साथ, उसको आप कॉप अप कैसे करते हो, उससे एक बाउंस बैक कैसे करते हो? एक शो में इतनी दिक्कत नहीं होती, बट जब एक गैप आ जाता है ना, जब आपका एक पीरियड आता है, जब लल पीरियड होता है, जो आई थिंक काफी सारे आर्टिस्टों के साथ होता है, जब आपको सडनली लगता है कि यार भूल गए क्या सब मुझे, तब बड़ा चुपता है वो बात, यू नो, आपको काफी आदत सी हो गई होती है वो उस अटेंशन की, और सडनली यू आर लाइक व्हाई इज नोबडी कॉलिंग मी, व्हाई इज नोबडी ऑफरिंग मी एनीथिंग. मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन के पहले का पीरियड एक उसी टाइप का पीरियड रहा था. समथिंग समटाइम्स जस्ट डोंट वर्क आउट, थिंग्स डोंट वर्क आउट. तो ये साइकोलॉजिकली यस, इट डज अफेक्ट यू क्वाइट अ बिट. तब आप काफी सारी चीजें करते हो, आप दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाते हो, आप अगर आपकी फैमिली है, जैसे थैंक गॉड मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन लॉज है, तो उनके साथ बिजी रहने का, वक्त बिताने का मौका मिलता है. बट हाँ, एज एन आर्टिस्ट बहुत खटकता है वो बात, वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस. मतलब और आर्टिस्ट का मतलब ये है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट वो होता है जो वाकई दिल में जो है सच कह देता है, उसमें उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको डबल स्टैंडर्ड होने की जरूरत नहीं है. ओके, अब क्या होता है, हमारे क्रिटिक्स सबसे ज्यादा हमारे परिवार वाले होते हैं, और जब परिवार में एक पहले से ही थिएटर एक्टर और डायरेक्टर हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं? मेरे पेरेंट्स ना, जो कि इस बैकग्राउंड से है, उन्होंने हमेशा बहुत ही एनकरेज किया है मुझे. दे हैव नेवर, इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि वो कभी बताए मुझे कि यू नो ये चीज गलत की तूने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं उनको सामने से पूछती हूँ, आपको नहीं लगा ये लाउड है, आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, आपको नहीं लगता इसमें टोन थोड़ी सी हाई चली गई थी, इसमें शक्ल मेरी ऐसी हो गई थी, पर वो लोग हमेशा अच्छी बातें बोलते. बट अभी जब मैं शादी करके यहाँ पे आई हूँ, मेरा बच्चा है, वो लोग मेरे बड़े क्रिटिक्स हैं, सबसे ज्यादा मेरा बेटा, तो वो हर एक सीन को बहुत ही बारीकी से, इनफैक्ट वो पूरे शो को बहुत बारीकी से देखता है, और वो मेरे हर एक सीन पर मुझे मार्क्स देता है. ये सीन में आपका 5/10 था, ये सीन अच्छा, ये 8/10, 8 से ज्यादा मार्क्स मुझे कभी नहीं मिले, 8 भी एक ही बार मिला था, बाकी मेरे 4, 5, 3, 2 नंबर आते हैं. मतलब अब परफॉर्मेंस नंबर में भी आकी जा रही है, वो भी घर में ही है. घर में एक तरफ हो गई टीआरपी, एक तरफ हो गई ये मार्क्स. जिसमें टीआरपी तो चलो थैंक गॉड अच्छी आती है, मेरे मार्क्स कभी अच्छे आते ही नहीं है, मेरे मार्क्स बहुत ही घटिया होते हैं. मतलब वो क्या है, वो क्लासरूम का बदला निकाल रहा है आपसे पूरा. आई एम श्योर, मैं पढ़ाई में उसकी क्लास लेती हूँ, वो इसमें ले लेता है. ओके, अभी तक आपने शोज ही मेरे ख्याल से करीब करीब 25+ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कौन कौन से ऐसे करेक्टर रहे, शोज रहे, जो आपके दिल के बहुत करीब है? लकीली ना, जितने कैरेक्टर किरदार निभाए हैं, वो मोस्ट ऑफ देम हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट एवर आई हैव डन. बट जो यादगार रहे हैं उनमें से डेफिनेटली किट्टू वुड बी अमंग्स द टॉप फ्यू.
किट्टू सब जानती है कि किट्टू, पापड़ पोल की कोकिला, आई रियली लव परफॉर्मिंग दैट कैरेक्टर. फिर एक शो आया था सात फेरों की हेरा फेरी, जिसमें मैंने रूपल का किरदार निभाया था. शी इज अ वेरी मेल बैशिंग वुमन जो मतलब मर्दों की क्लास ले लेती है हर चीज में, अपने हस्बैंड की तो स्पेशली. और ये मंजरी का कैरेक्टर, मतलब इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से जितने किरदार मैंने निभाए थे ये मेल बैशिंग वाले ही थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग वुमन थी मैं. और इसमें पूरा ऑपोजिट है, जहाँ पे जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं विनय जी, वो डोमिनेट करते हैं मुझ पे, तो बड़ा मजा आता है. इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ रोल, तो परफॉर्म करने में बहुत ही मजा आता है. बड़ा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो इसमें आपका इनपुट कितना होता है, एक डायरेक्टर का इनपुट कितना होता है, ये कॉम्बिनेशन, ये पैकेजिंग कैसे होती है? मैं तो बाबा डायरेक्टर्स एक्टर, मैं डायरेक्टर और क्रिएटिव और राइटर की एक्टर. मैं आई थिंक कहीं ना मैं अपने आप को सौंप देती हूँ, बिकॉज मेरा परसेप्शन किसी चीज को लेके शायद बहुत ही लीनियर होगा. मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक परसेप्शन अलग है, तो अगर मैं उनके परसेप्शन के हिसाब से चल पाऊँ तो शायद मैं एज एन एक्टर भी अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ और मुझे एक अलग नजरिए से कैरेक्टर को देखने मिलेगा. सो 100% पूरा इनपुट जो भी होता है, बिकॉज अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो मुझे भले कितना भी लगे कि नहीं मुझे नहीं, मुझे तो लगता है ठीक कर दिया, बट नो, आई थिंक टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड आई डोंट थिंक आई विल. आप को एक प्रिविलेज था कि आपके पेरेंट्स जो थे वो थिएटर बैकग्राउंड से थे, तो उनको मालूम था कि ये मीडियम कैसा है, मीडिया कैसा है, और फिर आप तैयारी भी पूरी करके आए थे. लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, खासतौर से छोटे शहरों में, दूर दराज में, जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं बॉलीवुड से, कि डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, और हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए. ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या डूज एंड डोंट्स बोलोगे? सी, मेरे हिसाब से ना मुझे काफी टाइम हो गया इंडस्ट्री में. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, जिसमें जैसे आप कास्टिंग काउच बोल लो, या किसी ने गंदी नजर से देख लिया, या गंदी बात कर ली. ऐसा मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक, मेरा यही मानना है कि आप जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, या जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, उसी तरीके से आपको सामने रिस्पॉन्स मिलता है. माँ बाप का डर होना बहुत ही जायज सी बात है, बिकॉज अब मैं माँ हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरी बेटी होती तो या मैं फिर भी उसको किसी भी प्रोफेशन में, यार एक्टिंग ही क्यों ले लो, आप कहीं भी और प्रोफेशन में भी जाओ तो एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है हर जगह पे, बट इट्स हाउ यू पुट योरसेल्फ अक्रॉस. आप स्ट्रांग हो अगर आप अपने आप को जिस तरह से कैरी कर रहे हो, मेरे ख्याल से लोगों की ऐसी हिम्मत होती नहीं है ज्यादातर. तो बाकी अब आजकल मूवमेंट्स भी बहुत सारी आ गई है, मीटू मूवमेंट, ये वो, मेरे ख्याल से जो जो कोशिश भी करते हैं ऐसी छोटी मोटी, वो भी डर रहे हैं कि ज्यादा कहीं ना कहीं यू नो मीटू में नहीं घुस जाना है. राइट, अब इसमें सोशल मीडिया का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि यार अब बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा कुछ ना कुछ. नहीं, बहुत ज्यादा. आज अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी से इवन ऑनलाइन भी बात कर ली, आप उसको फ्लैश कर दो यार, मतलब दुनिया में जगत में उसको बदनाम कर दो. इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया. रियली मजा आया बात करके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, ये थी अमित त्रिवेदी, एक कमाल की एक्टर, बहुत ही अच्छी एक्टर हैं क्योंकि इतने सालों से काम कर रही हैं और लगातार काम कर रही हैं. उन्होंने यही बताया अपने शब्दों में कि अगर तैयारी होती है तो रोल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है. आप सब लोग चांस के पीछे भागते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत को बढ़ाने में लग जाएंगे तो चांस आपके पास खुद भी चल के आएगा. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप. आई कैन